बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन फोर डिफेक्टिव वंस। उसमें फोर डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास टोटल जो बल्ब्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हैं 20। डिफेक्टिव इसमें कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स दीज आर फोर। वन बल्ब इज डन, वी हैव टू फाइंड द बल्ब इज डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फेवर में फोर हैं, टोटल हमारे पास 20 हैं, दैट इज वन अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे गुड बल्ब्स निकालूं तो गुड बल्ब्स हमारे पास कितने होंगे, ये भी निकाल लेते हैं। 20 में से 4 गया, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात कहता है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, रिप्लेस भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब हमने वहाँ से एक बल्ब निकाल लिया, देन टोटल बल्ब्स हमारे पास कितने रह जाएंगे, 20 माइनस 1 19, एंड नॉट डिफेक्टिव भी नहीं था वो, तो इसका मतलब डिफेक्टिव हमारे पास 4 के 4 हैं ही हैं। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मींस गुड है। तो गुड तो हमारे पास, गुड बल्ब्स कितने बचेंगे इसमें, पहले हमारे पास थे 16 और जो गया है वो भी गुड ही गया है, तो ये 15 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 19 इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, 1 से 90 तक हमें नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, एंड नंबर डिविजिबल बाई 5। बहुत ही आसान सा है। सोल्यूशन देखें, हमारे पास टोटल डिस्क हमारी कितनी हैं, 90 हैं। नंबर 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, 90 तक होंगी। फर्स्ट में हमने इवन इवेंट मान लिया, टू डिजिट नंबर। अब यहाँ पे टू डिजिट नंबर हमारे कौन से होंगे, 11 12 13 अप टू कहाँ तक, 90 तक होंगे। 10 भी होगा इसमें, 10 11 12 एंड 90। तो 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 हमारे माइनस कर देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने बचेंगे, 81 बचेंगे। 90 में से 9 माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा, 81 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इसके फेवर में हो गए, 81 डिवाइडेड बाई टोटल 90 हैं, 9 9 जा 9 अपॉन 10 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, E2 नाम दे दिया मैंने इस इवेंट का, अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। पहले हम परफेक्ट स्क्वेयर नंबर निकालेंगे, कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वेयर, 1 1 का स्क्वेयर, फिर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 एंड 81। 1 से लेके 81 तक हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 9 बन जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, 9 अपॉन 90, कैंसिल कीजिए, 1 अपॉन 10 हो गया। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, E3 नाम दे दिया हमने, नंबर डिविजिबल बाय 5, कौन कौन से होंगे, 5 10 15 20 कहाँ तक, 90 तक होंगे। ये 5 into 18 बनते हैं टोटल, 18 5 जा 90, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मींस नंबर डिविजिबल बाय 5, 18 अपॉन 90, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 5 हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन, A B C D E A, टोटल 6 फेसेस हैं। सॉल्यूशन देखें, टोटल फेसेस हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 हैं।
द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए के फेवर में हमारे पास कितने हैं? वन एंड टू है. सो टू फेसेस, टू अपॉन सिक्स, दैट मीन्स वन अपॉन थ्री हो जाएगा. सेकेंड में क्या कहता है? डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी के फेवर में कितना है? वन, वन अपॉन सिक्स. बड़ा ही सिंपल सा आसान सा आंसर था. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर. हम इसमें डाल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर. इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है. मीन्स प्रोबेबिलिटी हमें इसके फेवर में, यहाँ पे गिरे इसका फेवर मीन्स इसका एरिया, वो टोटल एरिया हमारे पास है. ये 3 × 2 एक रेक्टेंगल है. सॉल्यूशन देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना बन जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स 6 मीटर स्क्वेयर. रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे पास डायमीटर 1 दिया हुआ तो 1/2 मीटर हो जाएगा. एरिया क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वेयर, मीन्स 22/7 इंटू आर, 1/2 इंटू 1/2 मीटर स्क्वेयर. 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 11, 11/14 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इन सर्कल वो क्या बनेगी? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसके फेवर में ये टोटल एरिया हमारे पास ये बन जाएगा रेक्टेंगल. एरिया ऑफ सर्कल हो गया 11/14 एंड डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 6/1 मीन्स 11/14 इंटू 1/6, 11/84 आपकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.